सो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इज़ ऑनली एंड ओनली माई चैनल सो टूडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ यू कैन रिमूव योर कॉपी राइट क्लेम जो आपकी वीडियो पर लगी होती है मैंने दो वीडियोज़ डाले थे जो कि मैंने मूवी के सॉन्ग डाल दिए थे तो मेरा उस पर कॉपी राइट का क्लेम लग गया था जिस वजह से मेरा मोनिटाइजेशन दो बार या शायद एक बार रिजेक्ट हुआ जब मैंने उसे हटाया कॉपी राइट का क्लेम तो उसके बाद में मेरा मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई सक्सेस हुआ तो गैस कॉपीराइट हटाना बहुत ज़रूरी है और हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे हटा सकते हैं विदाउट डिलीटिंग द होल कंटेंट आप खाली जिस जहाँ तक आपका कॉपीराइट क्लेम लगा है आप वहाँ तक या तो उसे डिलीट कर दो या फिर उस पार्ट को म्यूट कर दो तो आराम से कॉपीराइट का क्लेम हट जाएगा जैसे कि मैंने किया है सो so गाइस चलिए चलते हैं कैसे आप कॉपीराइट का क्लेम हटा सकते हो लेट्स स्टार्ट तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि कैसे आप अपना यूट्यूब के वीडियोस पे जो कॉपीराइट का क्लेम लगा हुआ है आप उसे कैसे हटा सकते हो बिना वीडियोस को डिलीट किए हुए तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र पे क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू डॉट यूट्यूब डॉट कॉम तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा तो आपको इसे डेस्कटॉप साइट में लाना है तो आप देख सकते हो कि राइट कॉर्नर के टॉप में थ्री डॉट्स होंगे आपको उस पर क्लिक करनी है क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो सेटिंग्स के जस्ट ऊपर में डेस्कटॉप लिखा है आप उसे डेस्कटॉप साइट पर ले आओगे डेस्कटॉप साइट में लाने के बाद में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास दिखेगा आपको देख सकते हो आपका लोगो जो कि राइट कॉर्नर पे एकदम छोटे से आपको उस पर क्लिक करनी है क्लिक करने के बाद में आपको जाना है यूट्यूब स्टूडियो पर यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद में आपको देखना है कि आपके कौन से वीडियो पर कॉपीराइट का क्लेम लगा हुआ है आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे आप कॉपीराइट का क्लेम चेक कर सकते हैं तो मेरे इस वाले वीडियो पर कॉपीराइट का क्लेम लगा था तो मैं उस वाले वीडियो पे जाऊंगी, एडिट करूंगी उस वाले वीडियो को और आपको दिखाऊंगी। तो इस वाले मेरे मोनिटाइजेशन होने से पहले इस वाले वीडियो पे कॉपीराइट का क्लेम लगा हुआ था जो मैंने हटाया क्योंकि मेरा मोनिटाइजेशन रिजेक्ट हो जा रहा था इस वजह से तो मैंने इस पहले पार्ट को जिसमें मैंने एक फिल्म की सॉन्ग लगा दी थी मैंने उसे म्यूट कर दिया तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप इसे कर सकते हो तो चलिए ये जो आप थर्ड वाले ऑप्शन देख रहे हो ये एडिटर का है आप इस एडिटर पे जाओगे एडिट में जाने के बाद में आप उसे चलाकर पहले देखोगे तो देख सकते हो कि मैंने ये म्यूट कर दिया है जिस पर सॉन्ग लगा था क्योंकि कॉपीराइट क्लेम होने के वजह से मेरा मोनिटाइजेशन के लिए रिजेक्ट हो जा रहा था वेलकम टू माई चैनल इट्स ओनली एंड ओनली तो आपको क्या करना है आपको अगर कोई भी पार्ट कॉपीराइट क्लेम होने से आपको बता देता है कि इतना से इतना पार्ट आपका कॉपीराइट क्लेम है तो आपको क्या करना है आपको ट्रिम वाले ऑप्शन में जानी है ट्रिम वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आप देख सकते हो नीचे में आपको स्प्लिट कैंसिल और प्रीव्यू के ऑप्शन दिख जाएगा तो आपको स्प्लिट में क्लिक करना है ठीक है स्प्लिट में क्लिक करने के बाद में आपको कितना से कितना आपको वो करना है आप उसे ब्लैक कर सकते हो तो ये आपका उतना ट्रिम हो जाएगा ठीक है उसके बाद में अगर आपको डिलीट करना है तो आप उसे डिलीट कर सकते हो या फिर म्यूट भी कर सकते हो आपकी मर्जी है तो मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ ये तो आप प्रीव्यू में प्रीव्यू का मतलब है कि आप ने जो भी चेंजेस किए हैं आप उसे दोबारा देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं वेलकम टू माय चैनल इट्स ओनली ओनली एंड माय चैनल सो गाइस कि मेरा पहला वाला पार्ट जो मैंने कट किया है वो नहीं आ रहा है वो कट चुका है उसके बाद में आप देख सकते हो ऊपर में ये सेव है आप वहाँ पे सेव का ऑप्शन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा तो फ्रेंड्स आई होप you learn something today thank you so much so friends i hope uh, you learn something today from this video so guys enjoy and please do apply and hamesha aap check karte raho ki aapki kaun si video pe copyright ka claim laga hai अगर आप किसी मूवी सॉन्ग या कुछ भी सॉन्ग अगर अपने वीडियोस पर अपलोड करते हो मेरे से गलती मत करना ताकि आपका मोनिटाइजेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो सो गाइस कीप लाइकिंग एंड कीप सपोर्टिंग तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू गाइज प्लीज़ लाइक द बेल बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हो एंड स्टे हेल्दी कीप हेल्दी योर सेल्फ एंड बी हैप्पी थैंक यू सो मच बाय